नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पाली में बैंक कर्मियों की ग्राहकों खाता धारकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। लंबे समय से खाता धारक परेशान हैं, उनका काम नहीं करने और बार बार चक्कर लगाने को लेकर कई समय से शिकायतें आ रही हैं। कई बार उनको नोटिस भी दिया जाता है लेकिन उनके द्वारा खाता धारकों के साथ व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। गौरतलब रहे कि अधिकतर पेंशनधारी बुजुर्गों के साथ ज्यादा अभद्रता होती है। उपखंड की एकमात्र बड़ी सरकारी बैंक होने की वजह से सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इसी बैंक से लेन देन करते हैं। आए दिन उनके साथ इन बैंक कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की जा रही है। बैंक के इस रवैये से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है जिसके चलते ग्राहकों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते बैंक कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मारवाड़ साई सेवा संस्थान के अध्यक्ष और पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे और पाली कलेक्टर और बैंक और SBI बैंक AGM से मिलकर शिकायत की। बैंक कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्री साई सेवा दर्शन सेवा संस्थान के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन स्थित SBI बैंक के कर्मियों द्वारा ग्राहकों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। ग्राहकों को किसी भी काम के लिए उन्हें बार बार चक्कर कराया जाता है। ये पिछले कई समय से ऐसा होता आ रहा है। इससे पूर्व भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले लंबे अंतराल से एक ही बैंक में कार्य करने से इनकी दादागिरी और अशोभनीय व्यवहार बढ़ता जा रहा है। बुजुर्गों से हाथापाई अभद्रता धक्का मुक्की इन बैंक कर्मचारियों की आम बात है। इसी के चलते हम जिला मुख्यालय पर पहुंच जिला कलेक्टर और SBI AGM को शिकायत दर्ज करवाई है और शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। मैं जो स्टेट बैंक है उनकी क्या शिकायत मिल रही है? आप एक महिला हो, आप भी वहाँ बैंक में जाते हो, क्या क्या कमियाँ महसूस की जा रही है वहाँ पर? बैंक में जाने से क्या है कि रघुनाथ सिंह जी जो चौड़े वाले है नहीं, वहाँ पर एक सोजत की औरत आई थी, वो है विधवा, उसके माँ बाप भी मर चुके हैं, औलाद भी नहीं है और विधवा है। विधवा होने के कारण मैं गई वहाँ, तो उसके साथ में गई थी, उसको मैंने बोला कि भाई, उसने मेरे को बोला कि फार्म भर के दो। मैंने उसको फार्म भरने के लिए देने, तो उसने बोला कि भाई तू लाइन में क्यों लगे हो पहले, तो उसको हटाया कि तुम बाहर निकलो। तो मैंने उसको बोला भाई ये अनपढ़ है और ये कोई न को फार्म भरना जानती है न को, तो मैंने उसको फार्म भर के दिया। उसके बाद में मैंने बोला कि भाई ये ना ये लो पर्ची, तो बोले क्या नहीं तुम कौन होते हो, तुम निकलो यहाँ से बाहर, तो धक्का मुक्की करने लगे। अब वो विधवा इंसान है और न उसके आदमी है और न वो अनपढ़ है, तो कहाँ जाए? आज आप उससे धक्का मुक्की करोगे और हर इंसान से करोगे, कोई डिलीवरी वाली है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई बुढ़े इंसान है, आप उसे हर इंसान से तुम ऐसे वातावरण करते हो, तो ये कोई तरीका थोड़ी ना होता बैंक वाला। ये शिकायत तो बीते कई सालों से मिल रही है। ये सालों से तो मिल रही है पर मैंने आज उनको कम से कम तीन चार बार ये ऐसे ही व्यवहार हुआ। जब ये लॉकडाउन भी नहीं था तब बैंक में जाते थे तो भी इनका यही व्यवहार था कि भाई तुम क्यों माथा खाने आते हो सर। अरे तो वो सर ने कोई तरीका थोड़ी ना होता, ये रोज रोज की क्या बात है। ये तो चलो लॉकडाउन अब हुआ है जो हमारे हर इंसान की परेशानी हो गई, पहले तो ये परेशानी नहीं थी, तो पहले भी इनके यही व्यवहार थे। और इनको बोलने से तो ये अपने ऊपर आकर के फिर अंडरसन बोलते हैं और अंडरसन कौन सुनेगा ये अंडरसन, ये बताओ मेरे को। तो हम क्या इनसे बहुत परेशान हैं, या तो हमारे यहाँ से बैंक से खाता ही निकाल दो और या तो इनका ट्रांसफर कर दो। सीधी सी बात है, हमारे को क्या ऐसे इंसान नहीं चाहिए यहाँ पूरे बाजार में। भले आप कहीं पर जाकर आप जाँच करो और इनके व्यक्ति को पूछो कि ये व्यक्ति कैसे हैं क्या है, फिर इनको बोलते हैं तो फिर ये ऊपर आते सीधे गाली गलौज करते धक्का मुक्की करते हैं, तो ये थोड़ी ना तरीका होता है। और इतनी शिकायतें हुई अभी तक, आज तक इसकी कोई शिकायत की आज तक सुनवाई नहीं है। अब मेरे आपसे यही विनती है इनकी, आप सुना मेरी सुनवाई करो और इनका जो भी इंतजाम करना वो करो। ये पूरा मामला क्या है? SBI बैंक मारवाड़ जंक्शन के अधिकारियों और संपूर्ण स्टाफ के अभद्र व्यवहार को लेकर आज यहाँ पर AGM साहब को पाली में ज्ञापन दिया गया, परंतु पहले तो ज्ञापन देने से मना कर दिया गया, समझाइश की गई कि हम उनको समझा देंगे। अब ये ज्ञापन देने के बाद ऐसा लगा है कि मतलब कुछ टालम टोल नज़र आ रहा है, जब तक इनको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा बैंक के कुछ अधिकारी कर्मचारियों को, तब तक मतलब ये नहीं लगता कि हमें मंजिल मिल पाएगी। इसलिए इनका यहाँ से बैंक से कुछ लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी है और इनके अभद्र व्यवहार को सुधारना बहुत ज़रूरी है। यदि अधिकारी हमारी इस बात को गहनता से सुना है, अभी यदि जाँच करेंगे तो ठीक, अन्यथा हम आगे बड़े अधिकारी के पास इसकी शिकायत करेंगे।